तो देखो यार, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने धनी एप्लीकेशन में पैसे को कैसे ऐड कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो मेरे धनी एप्लीकेशन के वॉलेट में 1215 रुपये मतलब ऐड मनी है, यानी कि बैलेंस है। और इस पैसे को अगर आप किसी को भी पे करते हो इस कार्ड के थ्रू, तो आपको हर ट्रांजेक्शन पर 1% का कैशबैक मिलता है। यानी कि मैं इतना पैसों को पे करूंगा किसी को तो मुझे 12 रुपये कैशबैक मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को फुली डिटेल देने वाला हूं कि कैसे आप इस पैसे को मतलब पैसे को यहां से धनी एप्लीकेशन में आप ऐड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल देने वाला, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ से हम धनी एप्लीकेशन को ओपन कर देते हैं, तो देख सकते कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है, मतलब कट कर देना। तो धनी एप्लीकेशन पूरी तरह से मतलब ओपन हो चुका है। तो देख सकते धनी वॉलेट में मुझे 15 रुपये मतलब है, तो ये 15 रुपये मुझे कैशबैक के रूप में मिला था। यानी कि मैं 1500 रुपये ट्रांजेक्शन किया था तो मुझे 15 रुपये कैशबैक के रूप में मिला था। तो यहाँ से लिखा लाइफ टाइम फ्री कैशबैक कार्ड, तो 1%, यानी कि आप जितना ट्रांजेक्शन करोगे तो यहाँ से आपको उस ट्रांजेक्शन के हिसाब से 1% आपको कैशबैक यहाँ से मिलेगा। आप कुछ भी पे करते हो तो यहाँ से आप लोगों को कार्ड देखने को मिल जाता है। इस कार्ड के थ्रू आप कोई भी पे करते हो तो आपको 1% का कैशबैक मिलता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कार्ड को अप्लाई कैसे करते हैं, तो लिंक वीडियो का आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दोनों में मिल जाएगा, तो फटाफट इस वीडियो को देख लेना। अगर उस वीडियो को देख लो तो यार, तो धनी एप्लीकेशन का कार्ड अगर आप अप्लाई कर देते हो तो आपको 1% का हर चीज़ में कैशबैक आप लोगों को मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि धनी एप्लीकेशन में कैसे पैसे को ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ से वॉलेट पर क्लिक कर दो। यहाँ से आप लोगों को बहुत सारे मतलब फीचर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से बैंक ट्रांसफ़र, सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, कि यहाँ से आप जो पैसा रहेगा यहाँ से डायरेक्ट भी बैंक में अपने ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों को यहाँ से बैंक पर आप लोगों को मतलब क्लिक करना होगा। तो यहाँ से मैं ऐड मनी आप लोगों को करने बताने वाला हूँ। तो यहाँ से आप लोगों को यहाँ से जो लिखा आ रहा है बैलेंस 15 रुपये, आप लोगों को इसी पर मतलब टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पर अपना अमाउंट को ऐड कर देना। चाहो तो आप कुछ भी अमाउंट यहाँ से ऐड कर सकते हो, 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, आप चाहे जितना अमाउंट यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से मैं 1200 रुपये यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ से अमाउंट मैंने टैप कर दिया। टैप करने के बाद हमें यहाँ से ऐड मनी पर क्लिक करना है। यहाँ से आप लोगों को दो फीचर देखने को मिल जाते हैं, पहला है कार्ड और दूसरा है नेट बैंकिंग। तो मैं यहाँ से कार्ड से पेमेंट्स को ऐड मनी करने वाला हूँ। तो यहाँ से कार्ड में भी आपको दो फीचर देखने को मिल जाते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो मैं यहाँ से डेबिट कार्ड को चूज़ कर लेता हूँ। डेबिट कार्ड चूज़ करने के बाद आप लोगों को यहाँ से कार्ड नंबर फिल कर देना, फिर नेम ऑन कार्ड यानी कि कार्ड किसके नाम पर है वो नाम आप लोगों को फिल कर देना। यहाँ से आप लोगों को मंथ यहाँ से डाल देना है, और यहाँ से आप लोगों को ईयर्स की आपका कितना एक्सपायरी डेट है, और यहाँ से आप लोगों को CVV यहाँ से पूरा फिलअप कर देना है। फिल कर देने के बाद आप लोगों को यहाँ से पे पर क्लिक कर देना है। यहाँ से कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से देख सकते हो मेरा बैंक ऑफ इंडिया, तो उस बैंक के थ्रू मैं अपने डेबिट कार्ड से यहाँ पेमेंट को ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप लोगों जो बैंक मोबाइल नंबर ऐड है उस नंबर पर आपको OTP आएगा, तो OTP आप लोगों को यहाँ से फिल कर देना है। पेमेंट पर हमें क्लिक कर देना। देख सकते हो 1200 रुपये मेरे धनी वॉलेट में ऐड हो चुके, ऊपर से मुझे मैसेज भी मिल चुका है। यस कर देता हूँ। यस करने के बाद यहाँ से मैं नो थैंक्स यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हो यार, मेरे धनी वॉलेट में 1215 रुपये मेरे धनी वॉलेट में ऐड मनी हो चुके हैं। तो यहाँ से आप लोगों को कार्ड के थ्रू कैसे किसी को पे कर सकते हो, उसके लिए अगर आप बोलते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा चैनल में। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग काफ़ी अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई सा कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।